अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। प्राण प्रतिष्ठा और देश के बदलते हालात, जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के कुछ शहरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल में तनाव देखने को मिला। एक तरफ पूरी तरह से वजीर आजम ही की तस्वीर हर तरफ देखी जा रही थी और राम मंदिर के अफ्तताह में अमीर और सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चश्म चराग राहुल गांधी ही को मंदिर में दाखिला नहीं दिया गया। महज राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान हेमंत बिस्व शर्मा को रिश्वतखोर वजीर आला कहा तो राहुल गांधी की यात्रा पर ही पथराव और हमला भी कर दिया गया और अब आसाम के संत शंकर देव के मंदिर में दाखिल होने से रोका गया। लिहाजा कांग्रेस कारकुनों ने उसी जगह पर धरना और एहतजाज किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी इंतजामिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या मंदिर में जाने के लिए भी मोदी से इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मुझे मंदिर में दाखिला नहीं दिया जाएगा? क्या मोदी अकेले ही अब मंदिरों में जाएंगे? खासकर हेमंत बिस्व शर्मा एक नफरती एजेंडा चलाने वाले वजीर आला के तौर पर जाना जाता है और खासकर मुसलमानों को लेकर इनमें इंतहा का जहर नजर आता है। मदरसा मस्जिदों को लेकर भी इसी तरह की सोच और फिक्र पाई जाती है। अब जब मंदिर, राम, भगवान, इन सब का ठेका अकेले भाजपा ने लिया है तो कांग्रेस को एक तरह से हिंदू विरोधी साबित करने की जितनी मुमकिन कोशिश हो सके उतनी करते हुए भी देखने को मिल रहा है। यकीनन भाजपा या फिर मोदी ने राम मंदिर प्रतिष्ठापना को लेकर मास्टर स्ट्रोक तो खेला ही है और इसका असर मुल्क के तकरीबन शहरों, करियों, देहातों में भी देखने को मिल रहा है। चारों शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी को भी बड़े सलीके से नजरअंदाज कर बजाय राम का अपमान या मजहब मामले को भी एक ही पार्टी से जोड़ने की कोशिश में कहीं तो वो कामयाब ही हुए ऐसा कह सकते हैं। और इसी असर का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। आसाम में तो भाजपा वालों ने राहुल गांधी को ही धक्का मुक्की की। खैर, कल हमने आपको बताया था कि कैसे अदालत, स्कूल, अस्पतालों पर भगवा लहराया जाता। लोकतंत्र अब कभी का भीड़ तंत्र के हवाले हो चुका है। बंबई मीरा रोड पर इसी तरह मुस्लिम इलाकों में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हंगामा करने की कोशिश की गई तो कुछ मुस्लिम नौजवानों ने वहां इन्हें शरारत न करने के लिए कहा तो रियासती हुकूमत तकरीबन 15 से 20 दुकानों घरों पर बुलडोजर चलाया। मतलब अब सिर्फ एक ही समाज का जोर चलेगा। अगर आप पर ज्यादती होती है और उस पर आवाज भी उठाओगे तो घरों पर बुलडोजर जरूर चलाया जाएगा और अगर जुर्म करने वाला मुसलमान हो तो इन पर तो IPC की जितनी भी धाराएं हैं लगा सकते हैं, जैसे UAPA जैसी। और यही पैगाम दिया गया। बेलगाम में भी रात को चवाड़ गली से होकर एक भीड़ दरबार गली, भिंडी बाजार और फिर फोर्ट रोड पर शोर मचाते नारे लगाते गई, जिसकी वजह से शहर में भी फसाद की अफवाह फैली। कुछ जगहों पर पथराव भी किया गया, ऐसी खबर हासिल है। फोर्ट रोड कलेगर गली इनकी देशपांडे पेट्रोल पंप के सामने जो कमान है उसे देर रात तोड़कर फेंक दिया गया था। आखिर इन गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। हमेशा एक ही समाज के निशाने पर रहता है, इस तरह का भी सवाल है। और गिरफ्तारियां भी इन्हीं की हो जाती है। इस तरह की वारदातें और भी जगहों पर देखने को मिली है और इस साजिश को समझने की जरूरत है। पहले मुस्लिम इलाकों में भगवे परचम लेकर हंगामा खड़ा करो, फिर जवाबी कार्रवाई होती है तो सरकारी बुलडोजर के जरिए घरों, दुकानों, होटलों पर एनक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई करो। खैर, अब एक और अहम खबर गुलबर्गा से है। इस तरह की और भी खबरें आपको आज बताने जा रहे हैं। गुलबर्गा के कोटनूर में संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति की तोहीन करने की वारदात कल रात पेश आई। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जब से संविधान को न मानने वालों की हुकूमत आई है उन्हीं की तरफ से इस तरह की वारदातें बार बार करते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने संसद के बगल में ही संविधान को जलाया था, लिहाजा संविधान को बदलने की मांग पिछले कुछ अरसे से हो ही रही है। इन्हीं की ये नापाक करतूत हो सकती है, यानी कि जो लोग इस संविधान को ही पसंद नहीं करते उन्हीं की करतूत हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। SDPI ने भी तमाम दलितों के साथ मिलकर इस एहतजाज में शिरकत फरमाई। गुलबर्गा में हालात तो काबू में है लेकिन दलित और मुस्लिम समाज काफी गम गुस्से में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कल रात में ही इस वारदात को किसने अंजाम दिया होगा? वैसे भी मुल्क के तमाम शहरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्तलिफ हिंदुत्व तंजीमें घूमी रही थी, पर देर रात इस काम को किसने अंजाम दिया, ऐसा सवाल अवाम की जानिब से अब पूछा जा रहा है। सवाल ये भी उठना लाजिम हो जाता है कि क्या मुजरिम जल्द पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तो हर तरफ CCTV फुटेज लिए जा सकते हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इनके घरों पर बुलडोजर घूमेगा? क्या इन पर UAPA लगाया जाएगा? लिहाजा इस तरह के हालात मुल्क की दिशा को बदलते देखने को मिल रहा है। कानून, न्याय व्यवस्था चरमराती दिखाई दे रही है। पहले इंतजामिया, अदलिया, सरकारी दफ्तर मजहबी मामला से दूर रहा करते थे, पर अब भगवा परचम कहीं पर भी लहराया जा रहा है।
मुसलमान तो वैसे भी पहले से निशाने पर है, लेकिन अब दलित ईसाइयों को भी हिरासा करने की खबरें हासिल हो रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी एक ऐसी ही वारदात पेश आई। वैसे बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कुछ एक का ही जिक्र करेंगे। भगवादारियों ने एक तरह का तांडव मचाने की कोशिश की है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों का एक गिरोह चर्च के ऊपर चढ़ गया और भगवा झंडा भी लहरा दिया। यह चर्च झाबुआ जिले के रानापुर के दवतलाई गाँव में है। आप स्क्रीन पर मेहसाना गुजरात के कुछ वीडियो भी देख सकते हैं। जानबूझकर जुलूस को मखसूस इलाके से ले जाकर वहां तनाव का माहौल और वहां एक समाज को हिरासा करने की कोशिश की गई है। कभी तेलंगाना में भी इस तरह मजहबी नफरत नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब संगारेड्डी में देख सकते हैं वीडियो जो चल रहा है, कैसा जुलूस निकाल कर अकलेती समाज की इबादत गाहों को निशाना बनाने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है। अब एक तस्वीर देखिए इंस्पेक्टर भीम सिंह पटेल की, किस तरह का लिबास पहनकर ऑन ड्यूटी तमाशा कर रहा है। अगर यही किसी कांस्टेबल ने मुसलमानों की टोपी ही पहन लेती तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता। अब क्या इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। लिहाजा और भी कई तस्वीरें हैं जो उमूमन मीडिया दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि इनके अंदर की गैरत मर चुकी है। सेक्युलर मुल्क में मजहब एक जाती मामला होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। पर पिछले कुछ सालों से और अब तो 22 जनवरी के बाद माहौल इंतहा के तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। क्या कोई मजहब किसी और के मजहब को गाली गलौज मस्जिदों इबादतगाहों चर्चों पर हमले और भगवे झंडे लगाने की इजाजत देता है? संविधान और संविधान शिल्पी का अपमान करने का हुक्म देता है? तो फिर ये कौन लोग हैं जिनके बजाय मुखालफत के हिमायत हो रही है? जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपको कसम भी तो खिलाई जाती है, लेकिन आपने वर्दी से नाइंसाफी कर भगवा लिबास ड्यूटी पर पहनकर किस इंसाफ की बातें कर सकते हो? लिहाजा कुछ ऐसी तस्वीरें जो राम मंदिर प्रतिष्ठापना के वक्त और उसके बाद नजर आई। अगर धर्म संविधान से ऊपर होने लगे तो मुल्क का भविष्य खतरे में आ जाता है। नौकरियां देने का महज वादा तो कर सकती है, नौकरियां नहीं दिए जा सकते तो भगवा झंडा हाथ में थमाओ की पॉलिसी देश को कहां ले जा सकती है, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पूरा जाम है। कोटनूर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके स्टैचू के साथ जो डिस्क्रिप्शन किया गया है उसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको कंडेम करती है, और गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये डिमांड करती है कि ऐसे जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम बार बार देखते हैं कि जब भी अंबेडकर स्टैचू के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है या गांधी जी के स्टैचू के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमले किए जाते हैं, मामूली धाराएं लगाकर उसको बी फाइनल रिपोर्ट डालकर ऐसे जो केसेस को ठंडे बक्से में रखा जाता है। और हम दलित समाज से और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के मानने वाले उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP गुलबर्गा उनके साथ है, उनके इस एहतजाज में और उनके इस प्रोटेस्ट में, और उनके जो ये जो हाल ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में हम उनके साथ हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग संविधान को नहीं मानते और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो 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 चीज थॉट्स हैं उन थॉट्स को नहीं मानते वैसे लोग ही ये हरकत किए हैं। हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की डिमांड करते हैं। Yes, sir! 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 Yes, sir!
हमने ब्रिज वाटर कैमरामैन अंदर